तो यार तुम्हें पता है लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था? गाइस कोई भाग रहा है यार, तू काला जादू कर रहा था। मुझे एक डॉल मिली थी, जादुई डॉल, जिसको उठाने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे ये डर हो रहा था कि मेरे पे काला जादू हो गया है, मैं अब जिंदा नहीं बच पाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके सामने आ चुका हूँ न्यू वीडियो के साथ, मतलब कि मैं जिंदा हूँ और मुझे कोई काला जादू नहीं हुआ। ये भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने पढ़ा था दुरूद शरीफ। तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम करेंगे न्यू वीडियो के साथ शुरुआत। तो यार जिस तरह से तुम्हें पता है मैं तो सड़क पे हूँ और यहाँ पर कोई मेरा अपना घर नहीं है, मुझे ऐसी कैसी खेतों में सोना पड़ता है और इसी जगहों पे ना गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि यार अगर मैं घर पे होता ना तो ऐसे रोडों पे भटकना नहीं होता। बस यार यार मैं अभी यहाँ पर खड़ा था और यहाँ पर मुझे एक डॉग नज़र आ गया है, वो रहा वहाँ से आ रहा है। गाइस ये तो मेरे पास ही आ रहा है, कहीं मुझे काटे ना। यार गाइस मैं यहाँ पर आया था ना, अभी अभी मेरा शुरुआत हुआ था व्लॉग का, और यहाँ पर मुझे खतरनाक डॉग नज़र आ गया है और वो मुझे घूरे जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं मुझे काट ना ले। वो रहा यार। तो यार काम करके इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है, तुम्हें भी पता है, और इस वजह से हमें चाहिए होती है फिर थोड़ी सी एनर्जी। वही वाली बात है ना, मैं खाना ढूंढने आया हूँ यहाँ पर कि मुझे कहीं खाना मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। यार गाइस तुम लोग तो लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो और ना ही मेरे घर वाले मुझे घर पे बुला रहे, अब सिर्फ एक ही उम्मीद है बस कि यहाँ पर कोई खाना मिल जाए। ढूंढते हैं यार, अल्लाह करे मिल जाए। अगर मेरे माँ बाप मुझे घर से नहीं निकालते ना तो आज ये सिचुएशन पे मैं कभी भी नहीं आया हुआ होता, मैं ऐसे रोडों पे कभी भी नहीं घूम रहा होता। लेकिन एक अच्छी बात भी है, वो अच्छी बात ये है कि यार मेरे माँ बाप ने जब मुझे घर से निकाला ना तो मुझे दुनिया देखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल गया। मैंने ये देखा कि लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं, दुनिया कैसी है, कैसे रहते हैं लोग बाहर, थोड़ा बहुत मुझे एहसास हो गया इस चीज़ का। यार अब खाना ढूंढने चलते हैं। यार तो इस तरफ पे ना मुझे वाइट वाइट चीज़ नज़र आई है, पता नहीं आपको आ रही होगी या नहीं, मेरी आंखों से मुझे तो आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये अंडा है, तुम्हें पता है ना अंडे में कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है। अंडा है पता नहीं क्या है, पर ये पता है मुझे खाने की चीज़ है। अब इसको निकालने लगा हूँ मैं, मुझे ऊपर चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर है यार ये, बहुत ज़्यादा, देखो तो सही कितना ऊपर है यार। अब मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, अब घर पे तो हूँ नहीं मैं, नहीं तो फ्रिज में से निकालता ये गोली, ये गुट गुट करके सारी बोतल पी जाता यार। लेकिन अब वो सिचुएशन तो चली गई है, अब जो भी कुछ है वो मेहनत मेहनत से हर चीज़ करनी पड़ेगी। चलो यार कोशिश करता हूँ चढ़ने की। गाइस नहीं चढ़ा जाएगा मेरे से लग रहा है, कांटे बहुत ज्यादा है इसके अंदर, कुछ और चीज ढूंढता हूँ, बहुत जोर से लगा है यार हाथ पे। चलो आगे चल के देखते हैं कोई चीज मिल जाए। यार इतनी ज्यादा पानी की प्यास लग रही है, अब मुझे पानी इतना गंदा नजर आ रहा है, इतना गंदा नजर आ रहा है, पूरा का पूरा काला हुआ हुआ है। लेकिन यार अब क्या कह सकते यार, यही पानी पीना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं जिस जगह पे आया हुआ हूँ वहाँ पर मुझे कहीं भी पानी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। यार पानी पीऊँगा थोड़ी एनर्जी तो आएगी ना कम से कम, खाना तो मिल ही नहीं रहा, वैसे भी ये पानी पीना पड़ेगा मुझे। नहीं गाइस ये वाला पानी नहीं पी सकता यार, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ साफ चीज़ें, ना रहने के लिए कुछ है यार, मैं तो दर बदर हो गया हूँ, पता नहीं क्या होगा यार। जो शख्स अपने घर से निकल जाते उन्हों की सिचुएशन यार कैसी होती है अब जाके मुझे पता पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो डर लग रहा है ना वो डॉगों से डर लग रहा है, क्योंकि डॉग चारों तरफ मुझे नज़र आ रहे हैं और तुम्हें पता है ना डॉग जब अगर काट ले तो कितने ज़्यादा इंजेक्शन लगते, और मैं इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता। यार गाइस मुझे ये लग रहा है कि ये वही चीज़ें जो मेरी अम्मी ना खाने में डाल के बनाया करती थी, मुझे पता नहीं कि वैसा लग रहा है, तो इसी को खा लेते थोड़ा यार। यार पता नहीं क्या क्या खाने को पड़ रहा है यार। ये वाली चीज मैंने बिस्किट में देखी थी, इसी को खाना पड़ेगा अब। चलो इसको तोड़ते थोड़ा, ये है क्या गाइस, सांप वाप तो नहीं है ना, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। टूट जा बे टूट,
और टूट गया यार। बड़ी मेहनत से मुझे वो चीज मिल गई है जो मैंने बिस्किट में देखी थी। मुझे पता है ये खाने की चीज है, अब इसको मैं खाता हूँ। और ये भी पता है यार ये जहरीली भी थोड़ी लग रही है क्योंकि बहुत ज्यादा कांटे इसमें। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, बहुत ज्यादा। चलो इसको खाते। यार गाइस ये मैंने एक साथ खा लिया, मेरे कांटे फंस गए यार हलक के अंदर। ऐसा लग रहा है अभी अंदर हलक में फंसा हुआ है अभी भी यार, सच में। कुल्ली वुल्ली करता हूँ यार, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा अब कहाँ से करूँ। ये सारे कांटे खोल के नहीं खाते यार, ये तो मुझे लग रहा है इसको है ना इसके कांटे हटा के खाते। मैं तुम्हें बताऊँ कैसे खाते यार। ये देखो ये है ना कांटे, इसको खोला और ये जो अंदर है ना इसके अंदर तब खाते यार। ये तो मैं पहली दफ़ा था यार, मुझे पता नहीं था कैसे खाते, मैं मुँह में ले गया सारे यार। अब अंदर कांटे फंस गए यार मेरे गले में, जब फंस गई थी मुझे लग रहा था बस आज मेरा आखिरी दिन है और मेरी जान जाने वाली है। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, किसी भी तरह से मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी, या अल्लाह मेरी ये गले को सही कर दे, नहीं तो यार वो जो कांटे थे ना वही मैं सारे खा गया। कुछ यहाँ पर फंसे हुए थे, कुछ यहाँ पर फंसे हुए थे, और यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है अब वो सही हो गई। और जब मैं यहाँ पर वापस आया ना, मैंने क्या देखी, इतनी प्यारी चीज़ यार, आसमान पे अल्लाह का नाम बना हुआ है, सुभान अल्लाह यार। ये देखो गाइस आपको यकीन नहीं आएगा यार, अल्लाह का नाम बना हुआ है यार, सुभान अल्लाह। भाई मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, वो यही कि अगर आप भूखे हो और आपके पास कोई पैसे नहीं है या कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है ना, तो मैं बोलता फिर भी शुक्र अदा करो। अभी मैं इतना ज्यादा रोना थोड़ा कर रहा था कि यार मेरे पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और मेरे को जब वो खाने की चीज मिली मैंने खाई तो मेरा गले में पूरी फंस गई। तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे खाना पीना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी ज़िंदगी वापस से दे दो। तब मुझे एहसास हुआ यार ये खाना पीना ये सब चीज़ें से ज़्यादा बेहतर पता है क्या है, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत। तो अल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा शुक्र यार मेरी ज़िंदगी वापस से देने के लिए। मैं अल्लाह ताला से जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है यार। आप लोग भी लाजमी शुक्र अदा अल्लाह ताला से किया करो। तो यार रात हो चुकी है, तुम्हें तो पता है ना मैं जंगलों में घूमता रहता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ भाई मेन रोड पे, यहाँ पर गाड़ियाँ भी इतनी तेज तेज चल रही है। मुझे अब ढूंढनी है रोटी, और रोटी से अपना पेट भरना है क्योंकि जो चीज़ें मैंने खाई ना उसके बाद मेरा जबड़ा और मेरा हलक सारी खराब हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा यार। बस तुम लोग दुआ करना अपने भाई के लिए यार, माँ बाप ने तो घर से निकाल दिया, मुझे बस तुम लोगों की दुआओं की ज़रूरत है यार। गाइस मेरे पास पैसे कम थे ना, इस वजह से मैं आया हूँ चपाती लेने, और भाई मुझे चपाती दे रहे। भाई एक बना दे आप चपाती, गरम गरम हो। हिकड़ी जी, हिकड़ी। तो यार एक चपाती तो मिल चुकी है, ये मुझे एक चपाती 25 रुपए की मिली है क्योंकि यार मेरे पास तो पैसे कम है ना यार। अगर मैं सारे पैसे अच्छे खाने खर्च कर दूंगा ना, अच्छे खाने खाने में, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी गरीब हो जाऊंगा। मतलब थोड़े बहुत जो मेरे पास पैसे बचे हुए हैं ना वो भी फिर नहीं बचेंगे। अब चपाती तो ले लिए मैंने, अब एक कबाब लूँगा और फिर चपाती के साथ खाऊँगा कबाब। ये रहा, अस्सलाम वालेकुम भाई। यार ये मेरे पास रोटी है, इसमें कबाब डाल दें आप, मेरे पास पैसे कम है ना इस वजह से। हाँ ये कितने का कबाब है? 20 का। चलें शुक्रिया जी जी। इसमें थोड़ी बहुत गोभी भी लगा देना यार। यार भाई बहुत ज्यादा अच्छे, वैसे अगर मैं किसी और के पास जाता ना ऐसा ये काम कोई भी नहीं करके देता, लेकिन भाई मेरे लिए कर रहे हैं, वो भी सिर्फ शायद इस वजह से क्योंकि वीडियो ऑन है। यार भाई मेरे पास पैसे होते ना मैं बर्गर भी खाता। कितने का वैसे बर्गर है? 80 रुपए का। और वो सैंडविच? 40 रुपए का। अच्छा यार भाई ये मुझे बर्गर बना के दे रहे सस्ता वाला। गाइस कहते हैं ना यार जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आपको जुगाड़ करना पड़ता है, वही वाला सिस्टम आज हो रहा है। मैं जुगाड़ करके बर्गर बना रहा हूँ रोटी से। माइनस केचप यार देख ले, अगर हो सकता है तो कर दें आप, आपकी मर्जी लगा दें आप इस पे। मेरे पास पैसे असल में कम है यार। थैंक यू सो मच। तो यार मेरा बर्गर तैयार हो चुका है और भाई मुझे कागज़ में दे रहे हैं, बोले कि टेंशन वाली बात नहीं थी, तुम चाहते तो बर्गर भी हम तुम्हें फ्री में ही दे देते, पर मैंने बोला नहीं यार ऐसी बात नहीं है ना। ये रहा मेरा बर्गर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह। ये देख रहे हो, ये रही टेबल। यार मैं यहाँ पर खा सकता हूँ ना खाना अपना? भाई ने तो बोल दिया। चलो यार बिस्मिल्लाह करके खाते। गाइस कुछ भी है यार, जैसा तैसा भी खाना, कोई सा भी क्यों ना हो यार, कोई सा भी खाना क्यों ना हो, आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है और क्या करना है, खाने के बाद शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला से। चलो इसको खाते यार। बहुत टेस्टी लग रहा है सच में, बहुत टेस्टी। लाला आप खाओगे? अल्लाह का शुक्र है यार, जो भी कुछ मिला अल्लाह का ही सारा दिया हुआ है। खाना खा लो फिर आपसे बात करता हूँ। तो यार मैं अपनी जगह पे आ चुका हूँ अब यार, इसी पुल के नीचे मुझे वापस से सोना होगा जैसे मैं पहले सोया था, याद होगा तुम्हें। बस यार कहते हैं ना कि जब आप मंजिल की तरफ निकल जाते हो ना तो बस तकलीफों को आपको सहना पड़ता है, वही सिस्टम है सारा। अब यहाँ पर मैं जगह देख रहा हूँ, कोई पत्थर वत्थर रख के कुशन बनाऊंगा क्योंकि मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द हो जाता है जमीन पे सर रख के सोने से, यहीं पे सोना पड़ेगा ये इसी के आसपास। बस यार दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके इतना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। गाड़ियों की आवाज सुन रहे होगे आप कितनी ज्यादा आ रही है, मेन रोड पे सो रहा हूँ ना इस वजह से। बस अल्लाह ताला ये पुल को नहीं गिरा देना क्योंकि मैं पुल के नीचे सो रहा हूँ। ये पुल है बहुत बड़ा और भारी भारी गाड़ियां चलती है पुल के ऊपर भी। खैर अल्लाह मालिक।